हरियाणा के सोनीपत जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल समेत उसके माँ बाप का शव घर में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला गांव मटिंडू का है, जहां पड़ोसियों ने साथ लगते बुजुर्ग रामधन के घर में धुआं उठता देखा तो दीवार फांद कर घर के अंदर दाखिल हुए, जहाँ का नजारा देख कर लोग सन्न रह गए। अंदर बुजुर्ग रामधन और उसकी पत्नी किताबों की अजली लाश पड़ी थी, जिसके बाद घर के अंदर आए लोगों ने पानी डालकर आग बुझाई और फिर मेन गेट का ताला तोड़कर लोगों को सूचना दी। वहीं ये लोग जब घर के ऊपर जाने लगे तो रामधन का बेटा दीपक, जो कि दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है, वो भी बेसुध पड़ा था। पड़ोसियों ने तुरंत उसे सिविल हॉस्पिटल भिजवाया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने हत्या के बाद आत्महत्या की शंका जाहिर की है। देखिएगा, जो मतलब तीनों शव मिले हैं, उनमें से जो दीपक के माता पिता का शव है वो जला हुआ मिला है और घर में आग लगाई गई है। अब किस पदार्थ से आग लगाई गई है वो एक अनुसंधान का विषय है, जैसे ही अनुसंधान में चीज़ें आएंगी वो आपको बता दिया जाएगा। और जो दीपक का शव मिला है उसके पास से हमें कुछ सल्फासी गोलियाँ मिली हैं, लेकिन प्रारंभिक जांच से जो हमें लग रहा है, अभी ये कहना पुख्ता रूप से वो नहीं होगा कि सल्फात से हुआ है, लेकिन पीएमआर रिपोर्ट के बाद ये चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौकाए वारदात से सबूत इकट्ठे किए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस इसे हत्या मानकर चल रही है और हर पहलू को लेकर बारीकी से जांच की जा रही है। आरोप है कि बेटे दीपक ने ही माता पिता की बेरहमी से हत्या के बाद जहर खाकर आत्महत्या की है। फिलहाल जांच जारी है। सोनीपत से सुरेंद्र सैनी के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।